अच्छा ये सोच के बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आप अपना सच्चा फ्रेंड या दोस्त मानते हो, एक, दो या फिर जीरो। तो ऐसे में आपके कम फ्रेंड्स होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि आप दोस्त बनाना तो चाहते हो लेकिन आपसे दोस्त बनते नहीं क्योंकि आप उतने लाइकेबल नहीं हो या आपकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, या फिर आप एक स्मार्ट पर्सन हो यानी आप चाहो तो दोस्त बना सकते हो लेकिन ज्यादा लोगों से मेलजोल करना, दोस्त बनाना आपके अंदर से नेचुरली आता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप भी एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सन हो या फिर पॉसिबली एक जीनियस। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साइकोलॉजिस्ट सतोशी कनाजावा ने 15,000 लोगों के हैप्पीनेस लेवल्स को उनके आईक्यू के साथ मेजर करा। रिजल्ट में देखा गया कि एवरेज आईक्यू वाले लोग ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करते थे जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते थे। वहीं हाई आईक्यू वाले लोग तब सबसे ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करते थे जब वो अकेले रहते थे। ज्यादा लोगों के बीच उन्हें खुशी या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। यही रीजन है निकोला टेस्ला, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आर्यभट्ट और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे ब्रिलियंट माइंड्स के ज्यादा दोस्त नहीं थे। इसलिए चैपलिन रॉनी मिलैनसन का कहना था, शो मी योर फ्रेंड एंड आई शो यू योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं आपके दोस्तों को देख के बता दूंगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप जितने भी हाईली इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों से मिलोगे आपको यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, चाहे फिर आज के समय में वो इलॉन मस्क जैसे स्मार्ट लोग ही क्यों ना हो। पर ऐसा क्यों है? सबसे पहला रीजन, रीजन नंबर वन, दे कैन स्पॉट फेक फ्रेंड्स एंड कट देम ऑफ। हाईली इंटेलिजेंट लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि कौन उनका असली दोस्त है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका दोस्त बनना चाहता है। और रियलिटी है कि हर इंसान के पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 6 लोग होते हैं जिनके साथ असली मीनिंगफुल फ्रेंडशिप बिल्ड करी जाती है, बाकी सब कुछ फेक या टेम्पररी रिलेशंस होते हैं। स्मार्ट लोगों के हाई सेंस ऑफ इंट्यूशन और स्मार्टनेस की वजह से वो पहले ही ऐसे फेक और टेम्पररी लोगों को पहचान के उन्हें अपनी लाइफ से निकाल देते हैं या उनसे ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाते। वो क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स से ज्यादा क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स पे फोकस करते हैं। इसलिए स्मार्ट लोगों की जिंदगी में कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिन्हें वो अपना सच्चा दोस्त मानते हैं, बाकी वो सभी लोग जो उनकी लाइफ में कोई मीनिंग ऐड नहीं करते वो उनके साथ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते। इवन रीजन नंबर टू, लैक ऑफ माइंडसेट। जिम रॉन ने एक बार कहा था कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। लोगों की दोस्ती की शुरुआत ही किसी कॉमन इंटरेस्ट, थॉट्स या एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। इसलिए स्कूल के अलग दोस्त होते हैं, घर के अलग, गेम खेलने वाले अलग और साथ घूमने वाले अलग। दोस्ती उन लोगों के बीच होती है जिनका लाइक माइंडसेट होता है। हाई आईक्यू वाले लोगों का माइंडसेट अपने आसपास के लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। एवरेज लोग जो बात करते हैं, जिन टॉपिक्स में वो बिजी रहते हैं, स्मार्ट लोग उन चीजों के साथ रिलेट नहीं कर पाते। उनका हर एक चीज के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और सोचने का नजरिया होता है। उनका इंटरेस्ट भी ऐसी चीजों में होता है जो बाकी लोगों के समझ के बाहर होता है। इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने बराबर या अपने ऊपर हायर इंटेलेक्ट वाले लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। एवरेज सोचने वालों से उनकी सोच नहीं मिलती, इसी वजह से इंटेलिजेंट लोग अपनी पूरी लाइफ में बहुत कम दोस्त बना पाते हैं। रीजन नंबर थ्री, दे डोंट हैव फोमो। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों को बाकी लोगों को देख के फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता। सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, उनके दोस्त कहाँ घूमने जा रहे हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। स्मार्ट लोग इन मटेरियलिस्टिक चीजों को कैचअप करने की कोशिश नहीं करते। स्मार्ट लोग अपने ही साथ इतना कंटेंट और सेटिस्फाइड फील करते हैं कि उनको बाकी लोगों को देख के कुछ अचीव करने की इच्छा नहीं होती। एक तरह से कहा जा सकता है कि स्मार्ट लोग अपने गोल्स और ड्रीम्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, वो बस अपने थॉट्स और आइडियाज की सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। रीजन नंबर फोर, नेचुरली ऑब्जर्वेंट। अगर आपको किसी भी ग्रुप में सबसे स्मार्ट पर्सन को ढूंढना है तो उसे मत देखो जो सबसे ज्यादा बोल रहा है, उसे नोटिस करो जो चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा है। हाईली इंटेलिजेंट लोग नेचुरली बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो अपने एनवायरमेंट में लोगों से इंटरेक्ट करने से ज्यादा उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि किसी को ये पसंद नहीं होता कि कोई भी उनको ऑब्जर्व करे। इससे लोगों को ऐसा लगता है कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। स्मार्ट लोगों में नॉलेज पाने की नेचुरल चाह होती है, इसी वजह से वो लोगों से स्मॉल टॉक करने में, अपने आइडियाज कम्युनिकेट करने में काफी स्ट्रगल करते हैं। उनके पास कहने को ऐसी बातें नहीं होती जिनमें बाकी लोगों का इंटरेस्ट हो, इसलिए वो बोलते कम है और सुनते ज्यादा है। रीजन नंबर फाइव, दे डोंट लाइक ड्रामा। स्मार्ट लोगों को आप कभी भी मीनिंगलेस डिबेट्स, बहस में या ड्रामा क्रिएट करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी इतनी बिजी होती है। उनका माइंड क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग में इतना ज्यादा बिजी होता है कि लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर डिबेट्स या बहस करना अपने साथ कई सारा मेंटल स्ट्रेस लेके आता है, जिससे स्मार्ट लोग बचते हैं। और आपकी लाइफ में लोग जितने कम होंगे उतना ही कम ड्रामा क्रिएट होगा। नेशनल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ ने 15,197 सब्जेक्ट्स को स्टडी करा और ये देखा कि जो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड थे वो कम पॉपुलेशन वाले जगह रहते थे और उनका आईक्यू उन सभी लोगों के मुकाबले ज्यादा था जो ज्यादा पॉपुलर सिटीज या टाउन में रहते थे। रीजन नंबर सिक्स,
अलोननेस। फेमस साइंस हिस्टोरियन, जीनियस और द इन्फॉर्मेशन बुक के ऑथर जेम्स ग्लाइक, जिन्होंने दुनिया के कई ब्रिलियंट माइंड्स को स्टडी करके उनकी बायोग्राफीज लिखी हैं, वो बताते हैं उन्होंने आइजैक न्यूटन और रिचर्ड फेयरमैन दोनों को स्टडी करा। उनकी बायोग्राफीज लिखी हैं, वो दोनों ही अपने अपने टाइम के बहुत बड़े जीनियस रह चुके हैं। दोनों के पास बहुत ब्रिलियंट माइंड थे, पर दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। आइजैक न्यूटन बहुत ज्यादा एंटी सोशल थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अकेले रहना पसंद करते थे। इनफैक्ट वो तो ये कहते हैं कि आइजैक न्यूटन का कभी भी किसी वुमेन के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड फेयरमैन को लोगों के साथ मिलजुल के रहना बहुत पसंद था। वो फनी थे, वुमेन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने इन दोनों ही जीनियस में कॉमन देखी थी, जिसे वो कहते हैं अलोननेस। यहाँ ध्यान देना, वो लोनली या लोनलीनेस नहीं कह रहे। लोनली इंसान तब फील करता है जब वो लोगों से कनेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन किसी न किसी रीजन से कर नहीं पाता। अलोननेस में इंसान खुद को मेंटली लोगों से खुद की मर्जी से अलग कर लेता है। रीजन नंबर 7, परसीव्ड इंटिमिडेशन बाय अदर्स। स्मार्ट लोगों के बीच बाकी के लोग इंटिमिडेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनका हाई इंटेलेक्ट, कॉन्फिडेंस और ह्यूमर काफी अलग तरह से शाइन करता है। वो कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, और आप स्मार्ट लोगों में इस पावर को फील कर पाते हो, जो उनके आसपास के लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लास के उस बच्चे से सब इंटिमिडेटेड फील करते हैं जो टीचर के हर एक सवाल का सही जवाब देता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो उससे पढ़ा रहे टीचर को भी सोच में डाल देता है। जो लोग उनके इस कॉम्प्लेक्स आइडियाज और कन्वेंशनल थिंकिंग के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, वो अपने आप उनसे अलग हो जाते हैं। रीजन नंबर 8, डिफिकल्टी इन बीइंग अंडरस्टूड। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों का टैग होना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट हाई इंटेलेक्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ज्यादातर टाइम इंटेलिजेंट लोगों को कोई समझ नहीं पाता। अगर वो किसी सोशल सिचुएशन में चले जाएं, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो क्या बात करें, किस बारे में करें, और मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा होगा कि कोई उनकी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, या फिर उनकी बातें मिसलीडिंग लगेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टाइम के सबसे बड़े जीनियस थे, ये हम आज कह पाते हैं, बट उस टाइम जब आइंस्टाइन लोगों को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताते थे, तो बाकी सभी साइंटिस्ट उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे और उन्हें पागल कह के चले जाते थे। पर इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जानते थे कि वो सही है, लेकिन इस बात की उन्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। रीजन नंबर 9, नो नीड टू प्रूव द वर्थ। स्मार्ट लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, ये बात उन्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। एक तरफ जहां लोग फ्रेंडशिप बॉन्ड बिल्ड करने के लिए अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अपनी सारी अचीवमेंट्स गिनवाते हैं, लोगों के सामने अपनी एक लाइकेबल पर्सनैलिटी रखते हैं, स्मार्ट लोग जानते हैं कि वो बाकियों से कितने ज्यादा स्ट्रांग है। वो इंडिपेंडेंट है और अपनी लाइफ की हर एक छोटी मोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल है। अब क्योंकि स्मार्ट लोग खुद इतने ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें दूसरे लोगों की वैलिडेशन की जरूरत फील नहीं होती। रीजन नंबर 10, फोकस ऑन पर्सनल गोल्स। एवरेज लोग समाज में इज्जत को चेस करते हैं, सोशल मीडिया के लाइक से उन्हें डोपामीन का हिट मिलता है, और कोई उनकी तारीफ करते तो चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उनकी पूरी लाइफ दूसरे लोगों को वैलिडेट करने में ही निकल जाती है। वहीं स्मार्ट लोगों को ड्राइव करता है उनका एम्बिशन और पर्पस। वो नेचुरली शॉर्ट टर्म प्लेजर से दूर रह पाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को चेस करते हैं, दुनिया को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, ना ही किसी तारीफ, एप्रिसिएशन या मेडल के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। इसे आप सेल्फिश भी कह सकते हो, बट अपने गोल्स के लिए सेल्फिश होना भी कोई खराब बात नहीं है। इसी वजह से अपने गोल्स को चेस करते हुए ये अपनी सोशल लाइफ एक्टिविटीज को सैक्रिफाइस कर देते हैं, और उनके पास सच में किसी और के लिए इतना टाइम ही नहीं होता कि ये फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।